लग जागने के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जागने से अरे अरे अरे, गाना गाने की तो समझ आती है लेकिन मर्द होकर लड़कियों की आवाज में और वो भी लता जी की आवाज में माजरा क्या है? माजरा तो बहुत पुराना है, मैं बचपन से ही इंस्पायर्ड हूँ उनकी आवाज से, उनके एक यूनिकनेस से, उनकी क्वालिटी ऑफ पिच से, उनकी एंड्योरेंस ऑफ द वोकल कॉर्ड पे, उनके कंट्रोल से। और जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ, इट्स कॉल्ड फाल्सेटो टेक्निक। फाल्सेटो टेक्निक इट्स बेसिकली अ गेम ऑफ वोकल कॉर्ड्स, अप्रोक्सीमेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, दे यूज इन ऑपेराज। You might have heard very very high pitch in operas. सही। So they use this kind of technique. तो आपने लता जी को ही क्यों चुना भाई? मैं ही नहीं, हम मेरा ख्याल है मेरी एज के और मुझसे बड़े भी लोग लता जी को सुनते आ रहे हैं। हम लोग कई सालों से उनको सुनते आ रहे हैं और हमारी दुआ थी कि वो और भी सुनते रहें, बट वो अब हमें नहीं है। और दूसरी है आशा भोसले जी, जिनसे मैं दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मैं उनको भी मिमिक्री में शामिल रखता हूँ। अच्छा ये बताएं, फैमिली वालों ने तो सोचा होगा कि बड़े होकर अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, अब्बू ने सोचा होगा, अम्मी ने सोचा होगा, हाल में आप डॉक्टर हैं भी खैर, लेकिन उन्होंने सोचा होगा हमने बेटे को डॉक्टर बना तो दिया है लेकिन अब वो लड़की की आवाज में गा रहे हैं। नहीं, बहुत सारी मतलब उनको गाहे बगाहे नज़र आता रहा कि ये क्वालिटीज़ हैं और वो बड़े लकी होते हैं वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको समझते हैं, उनकी उनकी अंदरूनी जो जो कशमकश चल रही होती है कि हम ये करें ये ना करें। मैंने पहले MBBS किया किंग एडवर्ड से और उसके बाद मैंने फिर दोबारा मैं NCA में गया, आई एम डबल ग्रेजुएटेड, एक आर्ट्स में और एक साइंस में। सो दे आर ऑन द कॉन्ट्री टू ईच अदर, अपोजिट हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मेडिसिन भी इज अ आर्ट ऑफ द ड्रग्स। अच्छा आप हर चीज कुछ अपोजिट अपोजिट ही करते हैं, हैं आप मर्द गाते लड़की की आवाज में हैं, आप डॉक्टर आर्ट्स भी कर लिया, मास्टर्स दो दो कर लिए, क्या चक्कर क्या है भाई ये क्या? ये मैं खुद भी नहीं जानता इस बात को, इट्स अ प्रीसेट फ्रॉम द अबव्स। तो किसी से सीखा है या लता जी को देख देख के? सिवाय मैंने मेडिसिन को मतलब प्लास्टिक सर्जरी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं सीखा। लता जी को फॉलो करते हैं, बहुत बड़े डाई हार्ट फैन है। जी जी, जीते जी उनसे मिल नहीं सके, अफसोस है इस बात का, बहुत ज्यादा अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है। अगर वो जिंदा होती तो क्या तासुरात होते आपके? जिंदा होती तो हमारे मजहब में तो कदम छूने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं उनके घुटने जरूर छू लेता बहैसियत के वो एक बहुत बड़ी टैलेंटेड खातून हैं। और मजहब को पीछे रखते हुए अगर हम इंसानियत के लेवल पे बात करें तो वो ही इज अ ग्रेट पर्सन, तो मैं उनसे जरूर मिलता और मैं कहता कि मेरी सादत होती कि मैं उनसे मिलता, लेकिन ऐसा नहीं था पॉसिबल, नहीं हुआ। कुछ गा के सुनाए ना अपनी आवाज का जादू जो गाए। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है आपकी आवाज़ की। इतनी मुश्किल जो फील्ड आपने चुनी है और साथ साथ अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स हो गया, गायकी हो गई, कैसे? बस मैंने बनाया है इसलिए मुझे तो बनाया है, तीनों काम के लिए आपको? हाँ, गाने भी गाते हैं, मुझे ऐसे ही लगता है क्योंकि आई गॉट टैलेंट। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता लेकिन ये है कि आई कैन डू इट, तो मैं कर रहा हूं। तो वैसे पता कब चला था कि मुझ में ये टैलेंट है कि मैं लड़की की आवाज, वो भी लता जी की आवाज में भाई? I cannot mention it कि किस वक्त ऐसे हुआ, बस अर्ली एडोलेसेंस में या लेट चाइल्डहुड कह लें कि 11-12 साल के जब आप थे, एक्सीडेंटली एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। और जो पेंटिंग है वो आई वाज अबाउट 2 or 3 इयर्स ओल्ड, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं चॉक से जमीन पे ड्रॉ करता था, तो वो जो ड्राइंग है तो वो तो तब से शुरू है ना। सही सही। सिंगिंग का आप कह लें बाद में है, और उसके बाद उसके साथ ही मैं ना आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल, बाकी इंटरव्यूज में मैंने ये बात कही मेंशन, लेकिन आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल। अच्छा। उस डॉल की जो फेस की जो कॉन्टोरिंग और जो फेस के जो फीचर्स होते हैं ना, आई यूज्ड टू ऑल्टर इट, तो वो इन माई ओन वे, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि प्लास्टिक सर्जरी व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट इज, लेकिन मैं उसको चेंज करता था अपने तौर पर। अच्छा। हाँ, और मेरे अपने अंदाज में वो प्लास्टिक सर्जरी थी मेरी जो मैंने पहले की थी अपने डॉल के ऊपर।
अच्छा आप सिर्फ लड़की की आवाज़ में ही गाते हैं या फिर अपनी आपकी जो नेचुरल आवाज़ है मर्दों की उस वोकल में भी आप गाते हैं साथ साथ? नहीं, मैं अपनी फीमेल आवाज को सपोर्ट देने के लिए मेल में भी ट्राई कर लेता हूँ बैलेंस रखने के लिए। हाँ, बैलेंस रखने के लिए। कुछ लोगों को जवाब देने के लिए कि यार इसके मेल वोकल कॉर्ड्स नहीं है, फीमेल ही है सिर्फ। तो ऐसा कर ले कि आप कोई गाना हमें फीमेल वॉइस से भी सुना दे और मेल में भी। रिसेंटली आई जस्ट डिस्कवर्ड कि मैं दोनों में थोड़ा बहुत ट्राई कर सकता हूँ। सही सही सही। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले। मुझे तो सच में लग रहा था कि मेरे सामने लड़की बैठी है। अरे ये कैसे कर लेते हैं? लड़का लड़की दोनों की आवाज़ें कैसी? जी मैंने आपको बताया, मैं यूज टू मॉडिफाई माय वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग द क्या कहते हैं उसको, कि जब प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर कहते हैं ना, जब फेफड़ों से आवाज़ निकलती है, जब हवा निकलती है, तो उसको मॉडिफाई करना ही फॉल्सेटो है एक्चुअली। कोई लड़की दोस्त हो, उसने अपने लवर को इंप्रेस करना हो, तो वो आपको कहती है कि यार थोड़ा सा लड़की आवाज़ में गाना सुना दो, इसको इंप्रेस हो जाएगा मुझसे। नहीं, मैं इस तरह के काम करता ही बेहतरीन बेहतरीन। आखिर में क्या सुनाएंगे? मैं आपको आशा भोसले की आवाज में भी थोड़ा सुनाता हूँ। वो एक गजल है जगजीत और आशा भोसले का डुएट है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ जरूर। आईना देख के बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। हाय हाय हाय। उसके बाद वो आशा जी की आवाज होती है, देख के तुमको होश में आना भूल गए याद रहे तुम और जमाना भूल गए, जब सामने तुम, जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, क्या जानिए क्या हो जाता है। जबरदस्त, क्या बात है, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे तीन चार गाने और सुन लूं। भाई सुन सकती है, मैं थोड़ा थोड़ा सुना देता हूँ जितना मैं सुना सकता हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरा वाकई। अच्छा वैसे क्या लगता है कि आपको खुद को कैसे महसूस होता है जब आप लड़की की आवाज गा के गा रहे होते हैं कि पैंट कोट पहनी हुई है, टशन ये वो, मॉट स्कॉट और आवाज? मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है आई नीड रियाज। हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो कि मुझे टाइम नहीं मिलता होता। मेरी ड्यूटी आवर्स कुछ इस तरह के हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह की हैं कि आप अगर प्रैक्टिस ना करें तो यू स्टैंड नोवेयर। प्रैक्टिस इज द मेन स्टे ऑफ एवरीथिंग। तो इसमें यह है कि मुझे थोड़ा साइंस कह रहा हूँ, सांस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी रियाज होता है, मशक होती है आपके सांस पे कंट्रोल करने के लिए। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने वोकल कॉर्ड्स को, लेकिन अब जो सुर, पक्के सुर, सच्चे सुर आते हैं ना, वो फिर आपकी प्रैक्टिस है और वो इल्म के बगैर नहीं आते हो। ऐसा ही है बेशक। अच्छा आपके पेशेंट्स कभी फरमाइश करते हैं कि डॉक्टर नुमान साहब गाना सुना दीजिए, एंटरटेन कर दीजिए? पेशेंट्स नहीं, इसमें हमारी एथिक्स होती है ना, इसमें ये अलाउ नहीं है। बट मैं पर्सनली भी अच्छा नहीं समझता इस बात को कि इस चीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। दोनों चीज़ें शुड बी डिमार्केटेड, सेपरेटेड अपार्ट। हाँ, ये मेरे कुलीग्स जो हैं वो हमारे जो गाला डिनर होता है, हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ एंड दे अप्रिशिएट इट अ लॉट। अच्छा पहली दफ़ा कहाँ परफॉर्म किया था? सबसे पहले दफ़ा मैंने किंग एडवर्ड में परफॉर्म किया था, हमारी फेयरवेल पार्टी थी, वहाँ पे हमने किया था परफॉर्म। तो वहाँ ऑडियंस का कैसा रिस्पांस था? बहुत जबरदस्त। खुश हो रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, क्या कर रहे थे? आटे में जैसे नमक होता ना, वो मजाक था, नमक के बराबर, और आटा जो था वो अप्रिसिएशन थी। इट वाज लवली एट दैट टाइम। तो आपको खुशी हो रही थी या आपके दिमाग पे एक चीज सवार थी? दिमाग पे एक चीज ये सवार थी कि अब मेरे दोस्त मेरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि फेयरवेल पार्टी थी ना, तो वो चल रहा था, गमगीन सा गाना था, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, तो वो गजल चल रही थी उस वक्त वहाँ पे, और इस तरह से था।
अच्छा आपको नहीं लगता आपने गलत प्रोफेशन चुन लिया है? गाते आप हैं, फाइन आर्ट्स आप करते हैं, और फिर दूसरी तरफ इतना मुश्किल काम जो आप कर रहे हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी का, सर्जन का। नहीं, मेरी ख्वाहिश थी, अब कह रहे हैं इसको, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुई, हर चीज़ मतलब मेरी तवक्को के मुताबिक ही हुई थी। लेकिन ये है कि आप जब देखते हैं कि आपको कोई अप्रिसिएशन इस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा डिसहार्ट होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड विद माय लाइफ। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलवाया, इनकी जिंदगी के बारे में बताया। आखिर में साइन ऑफ करेंगे आपसे कुछ सुनकर, क्या सुनाएंगे हमें? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, ओ बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जा।